आपने दो सिरों वाले सांपों को तो देखा होगा या कभी न कभी उनके बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सात सिरों वाले सांप को देखा है? जी हाँ, दुनिया में कई सारे लोग सात सिरों वाले सांप को देखने का दावा करते हैं, लेकिन इसमें से अधिकतर दावे फेक होते हैं। सात सिरों वाले सांपों में शेषनाग का नाम सबसे पहले आता है, जिनके बारे में आपने टेम्पल्स में और कहानियों में जरूर सुना होगा। शेषनाग ऋषि कश्यप और माता कद्रू के सबसे बड़े पुत्र थे, वही नागों के राजा भी बने थे, लेकिन बाद में वह ये राजपाट छोड़कर भगवान विष्णु की सेवा में लग गए। और जब जब भगवान विष्णु ने इस धरती पर अवतार लिया, वे इनके साथ ही अवतरित हुए और भगवान विष्णु की सहायता की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नाग और गरुड़ आपस में भाई हैं, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। और ऐसा क्यों है, यदि आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जल्दी ही इसके ऊपर एक पूरी वीडियो लाने वाले हैं।